भैयू महाराज केस में उनकी मौत के 48 घंटे पहले की चैटिंग मिली है, जिसे मोबाइल चैटिंग फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कोर्ट के सामने पेश किया। इसमें पलक और पीयूष जीजू नाम के व्यक्ति महाराज को हरदा आश्रम ले जाने की बात कर रही हैं, साथ ही दोनों 10 जून को महाराज द्वारा नींद की गोलियां खाने की भी बात कर रहे हैं। भैयू महाराज मामले में 109 पेजों की चैटिंग सामने आई है, उसमें CFSL अधिकारी तिलक राज ने अपने बयान दिए। उन्होंने बताया कि चैटिंग आरोपी पलक के मोबाइल से स्क्रीनशॉट जब्त कर रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किए गए थे। उन्होंने ये भी बताया कि ये सारा डाटा न्यायालय के कहने पर प्रस्तुत किया गया। मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन में तिलक राज जी से स्पष्ट पूछा था कि ये सारा डाटा एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर किया जा सकता है, तो उन्होंने स्वीकार किया। वहीं वकील धर्मेश गुर्जर ने आयुषी पर पूरे मामले की षड्यंत्रकारी होने का आरोप लगाया है। हालांकि इस मामले में 30 दिसंबर को पलक, शरद और विनायक को कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।